लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मंगलवार को दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जदयू नेता नीतीश कुमार और टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी सहित आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल समेत 28 दलों के नेता शामिल हुए। विपक्षी गठबंधन की यह चौथी बैठक थी। इसके पहले इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पटना, बेंगलोर और मुंबई के बाद 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता मिले। हालांकि इस गठबंधन के नेताओं में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान तल्खी भी पैदा हुई। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद काफी बढ़ गए थे। खैर, इंडिया की बैठक में सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा खड़गे होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी को टक्कर दे पाएंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ शाहजमा, आप देख रहे हैं आधान हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का पीएम चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता के इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया, लेकिन जब खड़गे से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले 2024 का चुनाव जीतने दीजिए, पीएम चेहरे पर बाद में विचार किया जाएगा। ऐसे में विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ताकत, उनकी कमजोरी और चुनौतियों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि अगर वे ऑफिशियल तौर पर विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार बनते हैं तो उनका मुकाबला डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से होगा। तो जरा खड़गे पर एक नजर डालते हैं। देखा जाए तो खड़गे देश के सबसे बड़े दलित नेताओं में से एक हैं। वो लगातार 10 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्हें गांधी परिवार का करीबी भी माना जाता है। इतना ही नहीं, वो दक्षिण भारत में कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। साथ ही उन्हें 8 लैंग्वेज की जानकारी भी है और हिंदी अच्छी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजर डाले तो खड़गे का अपने क्षेत्र कर्नाटक के गुलबर्गा के बाहर कोई चुनावी आधार नहीं है। वो 2019 चुनाव में अपनी लोकसभा सीट भी हार गए थे। इसके अलावा राजनीति में उम्र को बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है। उनकी उम्र 81 साल है। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उन्हें गांधी परिवार की कठपुतली भी माना जाता है, कहा जाता है। लेकिन वहीं इसे अवसर की तरह देखें तो विपक्षी गठबंधन के पीएम चेहरे के तौर पर कई चीज़ें उनके पक्ष में भी जाती हुई दिख रही हैं। जैसे लगभग सभी विपक्षी पार्टियों का उन्हें समर्थन मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के लिए वो दलित वोट बटोरने में मदद कर सकते हैं। वहीं गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी खड़गे पर इस तरह का आरोप नहीं लगा सकती है। अगर बीते 5 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो पता चलता है कि दलित वोट अब धीरे धीरे बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में दलितों का वोट ज़्यादा मिला था, जबकि इसके पहले तक दलित कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करती थी। अब देखा जाए तो देश भर में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस महज 6 सीटें ही जीत सकी थी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि खड़गे के आने से इस पर कुछ अच्छा असर पड़ सकता है। वहीं अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो ममता बनर्जी अच्छी तरह समझती हैं कि 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्षी दल सपा यानी समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से रूठा रहना नुकसानदेह है, क्योंकि भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाकर यह संकेत दिया है कि उसके पास भी यादव वोट है यानी यादव नेता हैं। ममता ने जब मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा तब अखिलेश यादव चुप रहे थे। तो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर भी मामला फंस सकता है। मुद्दा यह है कि सीट शेयरिंग आसान नहीं है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सदस्य है और विधानसभा में मात्र 2। ऐसे में किस आधार पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सीट की मांग करेगी? वहीं जदयू की बात करें तो पहले ही उसने बैठक में नीतीश कुमार का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित करने का फैसला किया था। माना यह भी जा रहा है कि लालू यादव भी नीतीश कुमार को बिहार से बाहर करने के लिए जोर मार रहे हैं। जब नीतीश का नाम पीएम पद के लिए आएगा तभी उनके बेटे बिहार पर राज कर पाएंगे, यानी कि वो सीएम पद के लिए
मजबूत दावेदार होंगे। इसलिए पीएम पद के लिए इंडिया गठबंधन का चेहरा बहुत महत्व रखता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये इंडिया गठबंधन जितने आसानी से नाम रख लिया गया था उतना काम आसान नहीं है, क्योंकि सामने आपकी लड़ाई अपने आप में भी है और पीएम मोदी से भी।